सो गाइज, मैंने यहाँ पर पैक लगाया था जिंगसिन पाउडर और फेन्युग्रीक और बहुत सारी नई चीज़ों के साथ में। वॉश करने के बाद से ये है हमारा क्लिप। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। मैंने हेयर वॉश वगैरह कर लिया था और अभी मैं जा रही हूँ लाड़ों को फीड करा करके उसको सुलाऊंगी। और अभी मैंने ये लिपस्टिक लगाई है, ये मंगाया था मैंने मैक की, काफ़ी अच्छा कलर है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, फिर बताऊंगी। देखो कितने सारे बेबी हेयर दिख रहे होंगे आप लोगों को, छोटे छोटे बेबी हेयर। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, कुछ काम है मुझे, तो फिर आकर के कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, बाय। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पिक एंड ड्रॉप वगैरह करवाया था, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नहीं नो आ रही है, ओके, नो प्रॉब्लम सर। एंड प्लीज PW से कॉल और लिंक आना, तो सर सेम रेटिंग दीजिएगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। कहते हैं वहां से आकर के हम लोगों ने थोड़ा सा काम किया है, मतलब मैंने काम किया है, आशीष लेट गए हैं लाडो को ले जाते मैंने काम कर लिया था, क्योंकि ना बहुत सारे कस्टमर होते हैं तो उनको डेटा बताना होता है। तो मैंने अभी कल एक वीडियो कॉल अटेंड की थी अपनी, शाम हो गई है, मैं अब जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। तो भिंडी की बनाऊँगी मैं इस समय, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, सैलड वगैरह देखते हैं, क्योंकि रात में ना बहुत लाइट खाना खाने का मन होता है। और बस सैलड हम फिर यहाँ पर बनाएंगे, एवोकाडो और पनीर और टमाटो और ओनियन वगैरह काट करके, ठीक है। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और थोड़ी सी अपनी भिंडी वगैरह जो है वो छोंक लेते हैं, तो आप लोगों को भी पता लगेगा कि दीदी कितना कुछ करती हैं और दीदी के पास टाइम नहीं होता है। तो कुछ लोगों का मैसेज ये था कि हमने आपकी कल वीडियो कंसल्टेशन सुनी थी, तो उसमें आपने क्या मतलब ड्रिंक के लिए बोला था, तो अभी मैंने ना उनको ड्रिंक बताया भी नहीं है जो हमारी कस्टमर थी, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, पेड होता है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उनको जो रूटीन दी गई है वो आपके साथ में रिवील नहीं कर रहे हैं, जो उनकी डॉटर के लिए हम ड्रिंक बता रहे हैं हम आपको सभी लोगों को यहाँ पर बता देते हैं, आप सभी लोग उसको बना करके यूज़ कर सकते हो अपने बच्चों के लिए, ठीक है। मैं कहाँ लगाऊँ स्टैंड को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ना मुझे दो तीन काम करना है और हाथ में लेकर के फ़ोन बात नहीं हो पाती है। लाडो को बस अभी जस्ट मैं फीड करा के आई हूँ। बहुत सारे लोग पूछेंगे लाडो कितने साल की हो गई, तो लाडो 1.5 साल की हो गई है, ठीक है। चश्मा को दूध वगैरह दे दिया था, सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय बना लूँ आधी कप। अभी मैंने ब्लिंकिट से अदरक ऑर्डर किया है, और ब्लिंकिट बड़ा महंगा है, 250 ग्राम अदरक आता है, 50-50, 60-60 रुपये का, मतलब एक सामान बनाओ ना सिंगल तो डिलीवरी चार्जेस भी लग जाते हैं काफ़ी। तो अभी कृष्णा को दूध वगैरह मैंने दे दिया है और दूध मैंने दोबारा से उबाल दिया है, तो मैं अभी सीधे ना भिंडी छोंक लेती हूँ, आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि लाडू लेट गई। तो जो ड्रिंक है ना उसको कैसे बनाना है वो बता देती हूँ। तब ना मैं कुकर रख देती हूँ जिससे कि मेरा कुकर गर्म हो जाए, और जो हम ऑयल डालेंगे यार, भिंडी की सब्ज़ी ना कैसे अच्छी लगती है, जैसे कि आप ना भिंडी की सब्ज़ी को उसमें छोंकते हो लाइक आपका सरसों के तेल में, वैसे ऑलिव ऑयल आप यूज़ करो बहुत अच्छा है हेयर के लिए, या फिर आप पीनट्स ऑयल ले सकते हो, तिल का तेल भी ले सकते हो खाने पीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखा रही हूँ, अभी मैं शेयर करूँगी इसके बारे में, ना दिखाती हूँ ठीक है, बाद में जब शेयर करूँगी ना तभी दिखाऊँगी, ठीक है। चलो मैं ना भिंडी बना लूँ अपनी, और फिर थोड़ी सी जब चाय बनाऊँगी ना, तब जब चाय पीऊँगी मैं तभी मैं आप लोग के साथ में ना इसकी रिकॉर्डिंग डालूँगी, ठीक है। ठंडा पानी है फ्रिज में, मैंने डाल के अभी रखा है बेटा। वही काम निपट गया है और मैं अब आ गई हूँ अपने रूम में, और मैं काम करूंगी थोड़ा सा। और अभी मैंने लिस्ट बनाया है 20 से 25 शॉर्ट वीडियो शूट करने के लिए, तो वो डेटा बना लिया है। कल हेयर वॉश वगैरह करेंगे, पैक लगाएंगे, उसके बाद से आज भी हेयर वॉश हुआ था, बट आज मैंने हेयर वॉश करने से पहले ही पैक लगा लिया था, है ना। तो वो क्लिप मैं इसमें ऐड कर दूंगी, देख लीजिएगा। तो कल मैं देखती हूँ शायद मैं स्पा क्रीम या फिर कुछ नया ट्राई करूँगी, तो वो शेयर करेंगे आप लोग के साथ में वीडियो के माध्यम से। और रही बात ड्रिंक की, तो देखो मेरे बालों में जो थिकनेस आना शुरू हुई है, बालों की जो ग्रोथ होना शुरू हुई है ना, वो इस वजह से होना शुरू हुई है। देखो कितने सारे छोटे छोटे बेबी हेयर दिख रहे हैं उनके, पता है क्यों हुई, देखो कुछ कुछ खड़े खड़े भी हैं, वो इसलिए होना शुरू हुई है। एक तो हम लोग प्रॉपर केयर करते हैं, दूसरा ये कि प्रोटीन रिच डाइट लेना शुरू कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ड्रिंक बता देती हूँ, 1 ग्लास दूध लेना है। दूध आप यहाँ पर आलमंड का बना सकते हैं, आलमंड मिल्क कैसे बनाना है मैंने वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पर, वो मैं आपको लिंक यहाँ पर अटैच कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उस आलमंड मिल्क को 1 कप बना लीजिए, उसमें आप क्या करेंगे, आप आधा बनाना डाल दीजिए,
ठीक, दो काजू डाल दीजिए और उसमें 1 चम्मच के करीब अलग से 1 कप पानी में चिया सीड को भिगा के रख दीजिए। 1 हफ्ते खराब नहीं होगा। जो आपका चिया सीड फूल गया है उसको आप 1 चम्मच जो आपने मिल्क लिया है बनाना वाला आपने डालने के लिए छोटे छोटे पीसेस में आप बनाना कट कर लीजिए। आलमंड वाला जो मिल्क लिया है उसमें आप 2 कैशू डाल देंगे, 1/2 बनाना डाल देंगे और आपका 1 चम्मच भीगा हुआ चिया सीड डाल देंगे और 1 चम्मच आप गोंद कतीरा डाल देंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए और ऊपर गार्निशिंग के लिए आप पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड डाल सकते हैं। इसको कंज्यूम कीजिए 1 महीना, रिजल्ट इतना ज़बरदस्त आएगा ना कि खुश हो जाएंगे। दूसरा मैंने क्या डाइट फॉलो किया है वो है मेरा एवोकाडो का टोस्ट, वो मेरा फेवरेट है सैंडविच, मुझे बहुत पसंद है। क्या करना है, 1 ब्रेड लेना है और आपको कैश्यू की क्रीम रेडी करनी है, ठीक है। कैश्यू की जो क्रीम होती है वो रेडी करोगे, कैसे रेडी करोगे, 1 कप पानी ले लीजिए, उसमें 20 से 25 आप काजू भिगा दीजिए, ठीक। भिगाने के बाद से सुबह उसको पानी समेत पीस लीजिए। मैं रोज़ वाटर में शो करती हूँ और रोज़ वाटर मैं ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ, खादी का ब्रांड का, ठीक है। तो आप रोज़ वाटर लेते हैं तो टेस्ट और अच्छा आएगा। उसके बाद पीस लीजिए, पीसने के बाद से एकदम महीन सा बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा और उसको थोड़ा सा डबल बॉयलर मेथड से हीट कर लीजिए। काजू का जो मिक्सचर आपने निकाला ना उसको हल्का सा हीट कर लीजिए, क्या होगा ये 8-15 दिन के लिए अपना स्टोर आप कर सकते हो। उसके बाद आप 1 ब्रेड ले लीजिए, तवे पे हल्का सा बटर या घी डाल दीजिए, मैं प्रेफर करूँगी घी घर का, और नहीं तो आप बाहर का जो घी लेंगे वो अमूल का ले लीजिए, अच्छा है ब्रांड, ठीक है, ट्रस्टेड ब्रांड है, मैं अभी यूज़ करती हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता यार मलाई इकट्ठी करके घी बनाना, तो इसलिए बना नहीं पा रही हूँ, ठीक है। जो मैं मक्खन बनाती हूँ मलाई इकट्ठी करके वो 1 हफ्ते के लिए बनाती हूँ मैं, बच्चों के लिए, अपने लिए और हस्बैंड के लिए, तो वो हम लोग 1 हफ्ते में खा लेते हैं क्योंकि मैं 1-1 हफ्ते की मलाई निकाल करके ना उसका मक्खन बना लेती हूँ, वो यूज़ कर लेते हैं। तो आप ब्रेड लेंगे, तवे पर डाल देंगे और हल्का सा आपने क्या करना है, ब्रेड को सेक लेना, सेकने के बाद 1 कटोरी ले लीजिए, उसमें एवोकाडो डाल दीजिए छोटे छोटे पीसेस में कट करके, और 1 टमाटो ले लीजिए, 1 आप खीरा ले लीजिए और 1 आप अनियन ले लीजिए, ठीक। थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा पनीर और थोड़ा सा आप इसमें डाल दीजिए कॉर्न, सारी चीज़ों को आप डाल दीजिए। डालने के बाद से आप क्या करेंगे, जो आपकी ब्रेड है जिस साइड से आपने सेक की है फ्लेम को लो कर दीजिए और उसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर आप सबसे पहले कोटिंग कर दीजिए अपना कैश्यू की जो क्रीम है वो, और जो हमने वेजिटेबल्स कट करे हैं वो डाल दीजिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा आपका दालचीनी का पाउडर, पिंच ऑफ डालना है चुटकी भर, पता है क्यों, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है, ये जो पाउडर्स होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, स्पाइस है, स्पेशली बालों की ग्रोथ, स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, टाइटनिंग, एजिंग की समस्या को दूर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से दूसरा इसके ऊपर ब्रेड रख लीजिए और जो दूसरा ब्रेड रखेंगे उस पर भी आपको कैश्यू का क्रीम लगाना है। आप चाहें थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए म्यूनीज और आपका जो सीज़वान सॉस आता है या पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आता है 1/2 चम्मच डाल दीजिए। इसको स्टार्ट कीजिए 2 महीने और फिर नेक्स्ट आप लोग को मैं बताऊंगी दूसरे व्लॉग में। तो अभी आप ये 2 डाइट फॉलो कीजिए, आप जब बनाओगे ना तो मुझे इसकी फ़ोटो ज़रूर शेयर करना, और मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में शेयर किया है कि मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ, कैसे कैसे बनाती हूँ, खाती हूँ, क्योंकि देखो गाइस मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास में, और कल से कृष्णा स्कूल भी जा रहा है, कल है मंडे और कल से ये स्कूल भी जाएगा, तो मेरे पास में टाइम नहीं है कि मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग करके दिखाऊँ। मैंने बता दिया आप लोग को बनाना, आप लोग बनाइए, यूज़ कीजिए और मेरे साथ इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, बाय।